You ruined my childhood. You'd hurt me and do it all over again. उसके बाद घर लेके जाऊंगा। थोड़ी सी इसमें कस्टमाइजेशन जरूरी थी कि ऐसे रॉ गाड़ी मेरे को पसंद है, तो थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है। इसमें मैं बताता हूँ आज हमने नया क्या किया है। पहले तो स्टार्टिंग खैर हम अपनी यहीं से दिखाते हैं। जो सबसे जरूरी जो बेसिक मॉडल में जो पंच प्योर मॉडल आता है उसमें फ्लॉकलेस नहीं आती है, रोशनी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो अपनी वही सिग्नेचर मॉडल, सिग्नेचर डिजाइन अपनी विंडा कंपनी की फ्लॉकलेस, वही 2250 की रेंज में अपना फ्लॉकलेस। इस गाड़ी में हमने क्रोम का कोई काम नहीं किया। एक्चुअली व्हाइट कलर की गाड़ी है तो इनको दिया हुआ क्रोम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन रहा था। स्पोर्टी लुक, पूरा एक स्पोर्टी लुक चाहते थे, कुछ ज़्यादा फालतू एसेसरी लगवानी थी। बिल्कुल गाड़ी देखने में थोड़ी सी और पंच गाड़ी से अलग सी लगे, तो वही हमने कोशिश करने की कोशिश करी है। तो बाकी आप लोग ज़्यादा देख के बताएंगे कि हमारी कोशिश कामयाब हुई है कि नहीं। आगे सिर्फ हमने इसमें फोर एड में ओनली फॉकलेट्स फ्रेम फ्रेम सब लगाया था, क्रोम नो क्रोम आई था, तो इनकी गाड़ी भी ज़्यादा चलती है। और कोई इसमें हमने एलईडी वैलिडी लगाई, इनको ओरिजिनल ओई लाइट्स ही रखी थी, येलो लाइट सभी थी, तो लाइट नहीं चढ़वाने दिया था, तो हमने एलईडी वगैरह कुछ ही लगाया। फॉकलेट जरूरी थी, फॉकलेट्स हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए साइड में आ जाती है। इसमें नॉर्मली हम जो है हर गाड़ी में छोटे छोटे डोर पास लगाते हैं, तो इसमें जो हमने देखे नया चीज लगाई है जो है अपने साइड जो है डोर गार्ड गार्निश इसको कह सकते हैं, हमने डोर प्रोटेक्टर गार्निश लगाई है। ये पूरी रबड़ाइज्ड में होती है, ये देखिए पूरी इसकी एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, चिपकाने चिपकुने जो होते हैं उतरना, जैसे कहते हैं चिपकाओगे बाहर डोर गार्ड लगाओगे उतर जाता है, गिर जाता है, तो ये जो है इसकी एजिस में फिट हो जाती है पूरी। और देखिए जैसे कोई लुक देते हो ऐसा लगेगा कुछ हमने अलग से लगाया है, बिल्कुल गाड़ी के थीम के साथ मैच करती है। प्रोटेक्शन पूरी डोर के ऊपर से नीचे तक पूरी प्रोटेक्शन, और कोई इसमें गम बम टेप वेप की जरूरत नहीं है, अपना इसके एजेस में जैसे मैंने बताया प्रॉपर फंस जाती है। प्राइसिंग बहुत रीजनेबल है, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, 1000 रुपीज़ की रेंज में हमारे चारों डोर्स पे जो है डोर प्रोटेक्टर गाने का है। देखिए आगे का पीछे भी हमने लगा है, देखिए जैसे अंदर बाहर पूरी इसके अंदर फिक्स हो जाती है, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कंपनी का वही पार्ट ही है। इसमें अलग से जब हमने डोर प्रोटेक्टर गार्निश लगा दिया तो अलग से जो है डोर गार्ड की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखिए गाड़ी के फ्रंट पर मैच करती है ब्लैक एंड व्हाइट में इसका ब्लैक। अब इसमें जो हमने और जो दिया है इसमें तो यहाँ तक का मैट कंपनी से मैट पार्ट आता है। अब कस्टमर को हमने ग्लॉस रिकमेंड किया है, कस्टमर को डुअल कलर करना था, इसमें डुअल कलर हमने इसमें जो है बबल फ्री मैट फिनिश में टेप लगाई है। टेप बहुत आप देख सकते हैं, कोई मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि टेप लगाई है, बिल्कुल पेंट लुक वाली हमने टेप लगाई है, बबल फ्री टेप है, स्क्रैचलेस डॉटलेस क्वालिटी फिनिशिंग आप सब देख ही सकते हैं, वीडियो में आपको पता चल रहा होगा समझ आ रहा होगा। तो ये हमने जो है हाफ पार्ट इसका पूरा रैप किया है, इसमें जो ये सारा पार्ट वाइट था तो हमने इसको जो अपना स्पोर्टी लुक देने के लिए सेम जो कंपनी के मैट पार्ट होते हैं उस मैट पार्ट का फैब्रिक जो है इसमें हमने रूफ रैप किया है मैट फिनिश में, बबल फिर बेस्ट क्वालिटी। और जो हमारी टेपिंग है कई लोग कहते हैं टेप से रंग तो नहीं खराब होता, टेप इस टेप की खासियत है तो इससे कलर नहीं खराब होगा बिल्कुल भी इस टेप के लगने से, प्लस जो है बबल स्क्रैचलेस। और दूसरा जो है इसकी खासियत है कि उतरना जो है कई लोग कहते हैं यार अपने आप उतर जाएगी या खराब हो जाएगी, 2 साल की हमारी इसकी गारंटी है,
या कोई पार्ट खराब होता है उतरती है, किसी भी तरह की कंप्लेंट आती है, तो ये जो है टेपिंग मतलब अपनी ऐसी क्वालिटी की ऐसी प्लीज की लगाएं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे गाड़ी के साथ देखे टीम के साथ मैच करें, कोई बता ही नहीं सकता। खैर देखने पे सामने फिजिकली ज़्यादा पता चलता है, बट जनरली इस फिनिश में लगाई गई कि ऐसा होता है कि कंपनी से गूगल कलर होके आया हुआ है। तो ये हमारा हो गया, ये डोर प्रोटेक्टर गार्निश हो गई, बाहर हो गई हमारी अपना ड्रेसिंग हो गई मैट फिनिश में बबल फ्री। प्लस इसमें देखिए हमने ग्लॉस फिनिश में, पहले हमने जो स्पॉइलर भी मैट फिनिश में सोचा था, मैट तो इतनी लुक नहीं आ रही थी, उभर के नहीं आ रहा था, तो स्पॉइलर इसमें वही ब्लैक कलर में ग्लॉस फिनिश का स्पॉइलर लगाया। देख सकते हैं वही पूरा प्रॉपर अपना फिटिंग फिनिशिंग वाला अपना रेगुलर हर गाड़ी में लगा रहे हैं, हर गाड़ी में स्पॉइलर हमारा यूज हो रहा है। तो ये जो है स्पॉइलर हमारा वही एज यूजुअल 2400 का स्पॉइलर। प्लस मैं आपको जो है रूफ रैपिंग का प्राइस भी बताया, रूफ रैपिंग जो हमारी पूरा हाफ पार्ट जो है 1500 की रेंज में पूरी रूफ रैप हुई है, 3500 हमारी रूफ रैप चॉकलेट में आपको बता दूँ। डोर गार्निश जो हमारी 1000 रुपीज़ की रेंज, जो स्पॉइलर हमारा 2400 का हाई ग्लॉस बेस्ट क्वालिटी का स्पॉइलर। बाहर तो मेरे ख्याल से हमने यही सब किया है। अब मैं दिखाता हूँ इसमें बाहर में, इसमें कस्टमर को जैसे मैंने बताया ना ज़्यादा एक्सेसरीज के रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा वो तामझाम नहीं करना चाहते, तो बाहर अपने बस पाती है सिंपल लुक। अरे मैं अंदर का दिखाता हूँ, हमने अंदर जो थोड़ा बहुत काम किया वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अपना ये पंच पैकिंग वाली जो है फुटस्टेप स्कफ प्लेट, कस्टमर को कोई वायर कट नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना, तो हमने हर एक चीज़ ऐसी लगाई जिसमें कोई वायर कटिंग की जरूरत ना पड़े कुछ ना हो, तो ये बहुत नेसेसिटी आइटम होती है पंच बैचिंग वाली स्टील में फुटस्टेप। इसकी जो प्राइसिंग हमारी 650 की रेंज में। अभी हमारा मैट, आप मैट देख सकते हैं, कस्टमर ने एक्चुअली अभी सीट कवर का नहीं कराया, तो उनको कल को इसमें जो जो गाड़ी का थीम रखना है वो रेड ब्लैक में रखना है, तो अभी सीट कवर का हमारे पास आज टाइम नहीं था, तो हमने सिर्फ मैटिंग करी है। तो मैट देखिए हमारा भी सिग्नेचर डिजाइन सिग्नेचर मॉडल हमारा सीट ग्लव्स कंपनी का विद वेलक्रो ब्लैक रेड अपना, ये देखिए ये हमारा सीट ग्लव्स कंपनी का ब्लैक रेड 70 मैट हमारा वही पूरा अपना जो आगे से पीछे तक अगले दो पीस और पीछे से भी। आइए मैं अंदर दिखाता हूँ हमने अंदर इसमें क्या क्या काम किया है। अभी सीट कवर तो इसका हमने कस्टमर ने खैर पेंडिंग छोड़ दिया है, क्योंकि गाड़ी आज ही शोरूम से आई है और बाकी काम में टाइम लग गया, तो कस्टमर को थोड़ा सीट कवर अपनी पसंद के अलग कुछ अलग डिज़ाइन हमारा जो है सिग्नेचर डिज़ाइन उनको नहीं लगवाना था जो हमारा डायमंड कट है, तो उनको उसको उसके लिए वो नेक्स्ट टाइम आएंगे। अभी उन्होंने डिज़ाइन फाइनलाइज करना है, उन्होंने नेट से कुछ पिक्स चेज चूज़ कर रखी हैं, तो वो हमें भेजेंगे, तो फिर उसमें हम करेंगे मैट। जैसे मैंने आपको बताया हम उसमें ब्लैक रेड में लगा चुके हैं, तो उन्होंने सीट कवर में खैर ब्लैक रेड का ही कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, बट अभी डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ, तो उसको हम बाद में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अंदर ये हमारा आर्मरेस्ट भी अभी हमारे पास सिल्वर स्टिच में था, पर जब हम चेंज करेंगे तो इसमें आर्मरेस्ट का कवर चेंज कर देंगे, इसको रेड थ्रेड में करेंगे। हमारा वही अपना जो हर किसी को पसंद आ रहा है अपना आर्मरेस्ट 750 की रेंज में हमारा आर्मरेस्ट, बहुत हैवी बोर्ड, बहुत हैवी पैडिंग के साथ और बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमारा आर्मरेस्ट। एक ये हमारा स्टेयरिंग कवर, ये भी हमारा सिग्नेचर डिज़ाइन जो हर बंदा यही डिज़ाइन पसंद कर रहा है, ओई फिटिंग ओई फिनिशिंग में हमारा लेदराइट में स्टेयरिंग कवर 550 की रेंज में पूरी प्रॉपर ओई फिटिंग के साथ। देख सकते हैं जैसे, खैर हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, खैर आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियो को, पसंद करें हमारे प्रोडक्ट्स को, पसंद करें हमारे लिए यही काफ़ी है। तो ये हमारा 550 की रेंज में स्टेयरिंग कवर प्लस हमारा जो है 750 ग्राम में आर्मरेस्ट। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया पंच का बेसिक मॉडल है, तो इसमें सेंटर लॉक पावर विंडो, रियर पावर विंडो नहीं आती, सेंटर लॉक नहीं आती, तो इसमें जो है हमने देखिए टॉक कंपनी की सेंटर लॉक लगाई है 3 ईयर्स रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ। टॉक की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एकदम 100% ट्रबल फ्री प्रोडक्ट, ट्रबल फ्री सेंटर लॉकिंग है। इसकी रिमोट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिमोट की लुक बहुत बढ़िया है और काफ़ी हैवी रिमोट दे रहे हैं और कंपेरिजन और ब्रांड से काफ़ी बेटर प्रोडक्ट है। और यह 2850 की रेंज में हमारा विद 3 ईयर्स रिप्लेसमेंट गारंटी का टॉक कंपनी की सेंटर लॉक। तो देखिए इसमें हमने अनप्लग कंपनी का, ये पहले तो बॉक्स की आपको पिक दिखाता हूँ। अनप्लग का हमने 2 GB रैम 32 GB मेमोरी में विद DSP अनप्लग का एंड्रॉयड लगाया है, विद फोर कोर प्रोसेसर। अभी तक ज़्यादातर हम अपना T3L प्रोसेसर या T7 प्रोसेसर लगा रहे थे। इसमें जो है कस्टमर को एक तो इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर फ्रंट एंड रियर कैमरा भी आता है, तो कस्टमर को फ्रंट कैमरे की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने उनको अनप्लग का रिकमेंड किया। ये देखिए इसका इंटरफेस दिखाता हूँ आपको, इसमें दिखाता हूँ बहुत शानदार टच, तो जैसे हमारे हर उसका बढ़िया हैक है, हर बार बताने की जरूरत ही नहीं है। अपना ऑडियो की रेंज ही एंड्रॉयड की रेंज ही वही रखी है, जिसकी टच वगैरह में एकदम परफेक्शन हो, साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, प्रोसेसर, हर चीज़ परफेक्ट हो। तो ये देखिए हमारा ये है अपना अनप्लग का 232 विथ 4 कोर प्रोसेसर। ये देखिए इसमें हमने फ्रंट कैमरा जो अपना फ्रंट एंड रियर कैमरे के साथ आता है, ये देखिए हमारा फ्रंट कैमरा फुल HD कैमराज के साथ आता है। ये इसमें जो है फ्रंट एंड रियर के कैमरा साथ ही आते हैं स्टीरियो के, बस हमें इंस्टॉल करना होता है।
फ्रंट का कैमरा आप देख सकते हैं, देखिए कितनी शानदार एकदम परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी है फुल HD में। ये हमारा फ्रंट कैमरा हो गया। अब आप में आपको मैं इसमें रियर कैमरा भी चेक करा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जैसे रात का टाइम है, रियर कैमरा, रियर कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल नॉन ब्लर, एकदम फुल HD क्वालिटी, पूरी परफेक्ट फिनिश जो है इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, कोई ब्लरनेस नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल जो कैमरा में जो आते हैं ब्लर होता है रात के टाइम में, थोड़ा रोशनी मतलब साफ से नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हमारा 232, अभी हमारा ये तो हो गया। इसमें विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, विद DSP, और जो अब इसकी मैं साउंड क्वालिटी आपको दिखाता हूँ, जो परफेक्ट बेस गाड़ी के अंदर के लिए, सूदिंग बेस, पूरी प्रॉपर ट्रेवल्स क्वालिटी, साउंड क्वालिटी। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ हमने स्पीकर कौन से लगाए हैं। एक्चुअली कस्टमर ने जो है इससे ऊपर मॉडल जिसमें हमन के स्पीकर आते हैं उन्होंने सुना होता, बट वो उनको इतना अपीलिंग लगा था, तो उन्होंने बेस उनको कहा, उन्होंने कहा कि हमें देखो वूफर और एम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमें साउंड ऐसा चाहिए गाड़ी के अंदर, हल्की फुल्की सूदिंग बेस है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, शार्पनेस बहुत बढ़िया हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा ये जो सबसे ज्यादा हॉट सेल हॉट केक चल रहा है इस टाइम मोरेल का, इसमें जो है हमने अपना मोरेल के आगे जो है कंपोनेंट और पीछे जो कोएक्सियल स्पीकर्स रहे हैं, अपना वही मोरेल की रेंज, अपना आगे कंपोनेंट एंड पीछे कोएक्सियल, 6000 की रेंज में कंपोनेंट, 5000 की रेंज में जो हमारा जो है कोएक्सियल। प्लस मैं आपको स्टीरियो की कॉस्ट भी बताता हूँ, जो हमारा इसमें स्टीरियो की कॉस्ट आई है जो है वो 14500 की रेंज में विद बोथ कैमराज, फ्रंट एंड रियर कैमराज 14500 की रेंज में, अनप्लग 232 विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, विद DSP एंड विद डुअल कैमराज इन 4-कोर प्रोसेसर। ये जो हमारा अनप्लग का, इसमें जो है फ्रेम की कॉस्ट अलग से है, फ्रेम जो हमारा फ्रेम की कॉस्टिंग है 850 की रेंज में फ्रेम की कॉस्टिंग है। तो ये हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया, मतलब अलग से एम्पलीफायर ऊपर किसी चीज की जरूरत नहीं, परफेक्ट साउंड, परफेक्ट। तो ये हमारा अनप्लग का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन विद मोरेल। इसमें जो है हम आप एक चीज रह गई है जो मैं आपको पावर, इसमें जो हमने रूफलाइट ब्लॉपंग कंपनी की रूफलाइट जो हर किसी को पसंद आ रही है, जो जैसे लाइट अंदर गाड़ी की डिम है, तो इसमें हमने जो है ब्लॉपंग की विद 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ 500 की रेंज में ब्लॉपंग की रूफलाइट। मतलब जैसे मैं हर बार बोलता हूँ छोटी छोटी चीज पे ब्रांड का परफेक्शन का ध्यान, ये नहीं कि कोई छोटी चीज है तो कुछ भी लगा दो या कोई भी क्वालिटी लगा दो, हर एक चीज छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी चीज हो पूरी परफेक्शन का क्वालिटी के साथ लगाई जाती है। अब लास्ट जो चीज हमारी रहेगी पावर विंडो, पावर विंडो हमने इसमें RD कंपनी की पावर विंडो लगाई है, 4600 की रेंज में हमारी पावर विंडो है। आइए मैं आपको पावर विंडो भी दिखाता हूँ, पावर विंडो की लुक भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी जो है RD की हमने पावर विंडो लगाई है, और ये भी हमने गाड़ी के जो इंटीरियर है उसके साथ मैच करती है RD कंपनी की 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ, स्विच भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये हमारी RD पावर विंडो, ये हमारा जो लास्ट वर्ड था, तो ये थी हमारी आज की पंच, आज की वंडरफुल पंच जिसमें हमने जो है आज काम किया है। यही है हमारी आज की वीडियो का हीरो, आज की हमारी डुअल कलर वाली डुअल कॉम्बिनेशन में आज की पंच। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में अपने नए प्रोडक्ट के साथ।